राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। अगले महीने शुरू हो सकता है मानसून सत्र, सितंबर में आगाज हो सकता है मानसून सत्र का। सितंबर के दूसरे हफ्ते की तारीख बताई जा रही है, सत्र दूसरे हफ्ते में हो सकता है। एक हफ्ते का ये सत्र बताया जा रहा है। मानसून सत्र में कई अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही कार्यक्रम आगे का जारी करने वाले हैं। तो लखनऊ से बड़ी और बेहद बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। मानसून सत्र का देखिए इंतजार सभी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई ऐसी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं प्रदेश की जनता को, जो कि वो आस लगा के बैठे होते हैं अपनी सरकार से, वो पूरा होने की संभावना मानसून सत्र के दौरान ही होती है, या यूं कहें कि सत्र के दौरान होती है। तो ऐसे में कई अध्यादेशों पर मोहर लग सकती है, लाने की तैयारी भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर के दवाई ग्राम जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? मानसून सत्र का आगाज सितंबर में हो सकता है, इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक हफ्ते का ड्यूरेशन बताया जा रहा है इस सत्र का। जी बिल्कुल, सितंबर के पहले हफ्ते में माना जा रहा है की शुरुआत की जाएगी। और खास बात है की कई ऐसे अध्यादेश है जिसको इस सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। अखिलेश यादव की बात करें, विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके भी भूमिका मानी जाएगी कि वो भी काफी विरोध करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह उठापटक उत्तर प्रदेश में मची है, तो कहीं ना कहीं ये जो सत्र है काफी हंगामेदार माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि फिर ऐसे अध्यादेश होंगे जिस पर समझ लो कि पार्टी के जो नेता है वो विरोध करेंगे। तो फिलहाल ये एक हफ्ते का सत्र माना जा रहा है, एक हफ्ता चलेगा। सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी संभावना दिखाई जा रही है कि सत्र शुरू होगा, लेकिन देखना होगा कि जो नेता है उनका आगमन कब से शुरू होता है, क्योंकि आज काफी कम समय बचा है, 7 से 8 दिन बचे हैं। इसके बाद से माना जा रहा है कि इस तरह का सत्र शुरू होगा। फिलहाल सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है कि सत्र में किस तरह के अध्यादेशों को पारित कराना है। भले ही विपक्ष की क्या भूमिका होगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नेता है विपक्ष के वो भी आज सकाल करते हैं कि इस सत्र में कुछ ऐसा किया जाए जिस पर जनता में एक मैसेज जाए। तो फिलहाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है सितंबर में अगर ये सत्र आता है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई है कई सारी, उसमें भी चर्चा हुई होगी कि आखिरकार सत्र के दौरान किस तरह के अध्यादेशों को लेकर के आना है, क्या कुछ तैयारी नजर आएगी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर हम अध्यादेशों की बात करें तो जनता के हितों में कितने अध्यादेश पास हो सकते हैं? देखिए 7 से 8 ऐसे प्रस्ताव है जिनको लाया जाएगा, जिसमें कई ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें जो विपक्ष है वो इसका विरोध करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे प्रस्तावों का अचानक लेकर आती है जिसका जो पहले से संज्ञान में लोगों को नहीं होता है। ऐसे मामले को लेकर विपक्ष भी पूरा तैयार नहीं होता, लेकिन सदन में इस तरह के अध्यादेश आते हैं तो उसका विरोध देखने को मिलता है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी अध्ययन जरूर कर रही होगी कि किस तरह के अध्यादेशों को पारित कराया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में उनकी जो तैयारी है कि किस तरह उसका विरोध करना है, कैसे उसको सदन में मुद्दा बनाना है। फिलहाल ये मान लीजिए कि अगर महीने या सत्र शुरू होता है तो ये पूरा हफ्ता हंगामेदार जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो सत्र हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद, और सत्र सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही कार्यक्रम जारी करने वाले हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अगले महीने यानी कि सितंबर महीने में शुरुआत हो जाएगी मानसून सत्र की।